मई डेर स्टूडेंट्स माई डे इस्कॉलर्स माई डे रिसर्चर्स इंटेक्चुअल कैपिटल को मज़ीद पढ़िए समझिए और देखिए कि पाकिस्तान में कितनी कंपनियाँ हैं कौन सी कंपनियाँ हैं वो कंपनियाँ जो इनोवेटिव होंगी वो कंपनियाँ जो क्रिएटिव होंगी वो अपना इंटलेक्चुअल कैपिटल पब्लिश करेंगी पब्लिकली करेंगी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू द ब्रांड इमेज ऑफ ए कंपनी एनी हाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडरिंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल एज ए कंस्ट्रक्ट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्ज कीजिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल आपको इनका इफेक्ट देखना है फर्ज कीजिए बिजनेस परफॉर्मेंस पर आप बिजनेस परफॉर्मेंस में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी हो सकती है मार्केट परफॉर्मेंस भी हो सकती है प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी भी, भी हो सकती है आप तय करेंगे ना कि मेरा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको मैं किसके साथ रिलेट कर रहा हूं कुछ मॉडरेटरिंग वेरिएबल भी आप ला सकते हैं और फिर जब आप इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपका कंस्ट्रक्ट है तो उसके तीन वेरिएबल्स तो हो गए तीन कंपोनेंट्स हुए तीन फैक्टर्स हुए फिर उनके आइटम्स कौन कौन से होंगे मेजर करने के लिए मसलन ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे तो एजुकेशनल लेवल एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस वो सारी चीजें आपको शामिल करनी पड़ेंगी कोई इंस्ट्रूमेंट ढूंढिए मिल जाएगा आपको लिटरेचर में से सोशल कैपिटल है आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल की ये फिर थर्ड कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं दिस इज दैट कैपिटल विच गिव्स वैल्यू टू एन कंपनी टू एन एंटरप्राइज अच्छा वो कंपनी वो फर्म वो एंटरप्राइज छोटी भी हो सकती है स्मॉल मीडियम लार्ज डजेंट मैटर इसलिए कि ये इंटलेक्ट इंटेलेक्चुअल कैपिटल तो सभी को चाहिए स्किल्ड uh, वर्कफोर्स किसको नहीं चाहिए वो वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी को भी चाहिए वो पंखे बनाने वाली कंपनी को भी चाहिए वो बिजली की तारें बनाने वाली कंपनी को चाहिए और वो होटल को भी चाहिए रेस्टोरेंट को भी चाहिए तो आज के जमाने में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में इंटेलेक्चुअल कैपिटल की और उसके कंपोनेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूनिट ऑफ एनालिसिस के तौर पर किसी भी कंपनी को ले सकते हैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा नेचुरली इसका जब एक एडवांस कॉन्सेप्ट आप देखें डिपेंड करेगा कि आपका बैचलर डिग्री का प्रोजेक्ट है या मास्टर का है या पीएचडी का है तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल के अंदर यू विल बी टॉकिंग अबाउट

जो लीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है हमने सिक्स सिग्मा की बात की थी क्वालिटी कंट्रोल की बात की थी तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिस्टम्स मौजूद हैं? हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ये कैपिटल है डेटा कलेक्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन बन रही है नॉलेज उसके ऊपर जनरेट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू गिव यू एन एडवांटेज इट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड सिस्टम्स च विल एनेबल देंजिबल एंड इनटेंजिबल रिसोर्सिस टू बी मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सिस तो हैं टेंजिबल भी हैं इनटेंजिबल भी हैं बल्कि मुझे कहने दीजिए ये ओपरेंट भी हैं और ओपरेंड भी हैं लेकिन उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस कैसे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैमरा लगाकर थम इम्प्रेशन लगाकर पुलिसिंग करके मॉनिटरिंग करके सारा दिन ये चेक करती रहती है कि काम हो रहा है या नहीं बंदे सीट पे बैठे या नहीं तो एक वक्त आ जाएगा पीपल विल लुक बिजी दे विल नॉट डूइंग एनीथिंग क्वालिटी वर्क नहीं होगा तो अगर आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव वर्कफोर्स चाहिए तो फिर ट्रांजैक्शनल भी इंपॉर्टेंस है लेकिन कोशिश कीजिए उसमें कुछ कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशनल भी हो ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल नेचुरली इट इज पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज ए टोटल अकोमुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी मिसाल के तौर पर कोहिनूर केमिकल कोहिनूर टेक्सटाइल कोहिनूर एनर्जी अब जब कोहिनूर का नाम आता है तो किस फैमिली का नाम आता है बताइए जरा सैगल सैगल फैमिली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ पाकिस्तान अगेन फ्रॉम चनियोट डाइवर्सिफाइड इन टू मैनी बिजनेसेस लुक एट मैनी अदर ग्रुप्स हबीब ग्रुप वजीर अली इंडस्ट्रीज दीज आर Some of those important companies, good companies, which we should be proud of as a Pakistani. So, there are so many companies which have developed good systems. That's why they have an edge. Remember, I talked about a company in Faisalabad, which is the world leader. So, unke systems are innovative. Honge, उनके प्रोसीज कुछ इतने अपडेटेड होंगे यानी उनका ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट होगा कि वो वर्ल्ड लीडर हैं इट इंक्लूड्स और द इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मलाइज नॉलेज बेसिस डेटा बेसिस स्टोर हाउसेज ऑफ सोशल नेटवर्क्स, सोशल मीडिया पर भी जो इंफॉर्मेशन मौजूद है

उन्होंने इसको एकमुलेट किया उसकी बेस पर बिजनेस में अपना मकाम बनाया और जो कंपनियां अपने नॉलेज की बेस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं वो मार्केट के अंदर थ्राइव भी करती हैं सर्वाइव भी करती हैं और एक सस्टेनेबल कंपिटेटिव एडवांटेज भी लेती हैं थैंक यू वेरी मच